जय श्री स्वामीनारायण। SSGM स्कूल CBSE मानकुवा रन्स बाय श्री सहजानंद गुरुकुल वेलकम्स यू टू ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम शिवांगी मेहता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर फोर्थ स्टैंडर्ड्स चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ वी गेट अवर फूड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर दिस 10th chapter. In this chapter, we are going to learn about the food we eat, the food we get. Okay, so from where we are getting this, and in which categories we can divide this food. Okay, so let's start this chapter. हमारे इस chapter में हम देखेंगे कि जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसको हम कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ उसकी जो बेसिक कैटेगरीज है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो हम देखेंगे कि कौन सा फूड हम जो खाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब कि कौन सी कैटेगरी में वो इंक्लूडेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उसमें से हमें कौन कौन सा फूड जो है वो मिलता है, उसी से रिलेटेड है हमारा ये फर्स्ट टॉपिक। ओके, इसका ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके अंदर भी कुछ उसके सब टॉपिक्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये जो सब टॉपिक्स है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा फूड जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, या तो आप बोल सकते हो कि कौन सा फूड जो है उसको क्या हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। वी गेट फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स में से। कौन सी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें जो कि हमारे खाने की चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स में से मिलती है। तो हम ये जो सारी नाम यहाँ पे मेंशन है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है सीरियल्स। तो सीरियल्स जो है वो कौन से फूड को बोला जाता है, कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि हम इस कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सीरियल्स मतलब कि जनरली ऐसी चीज़ें, मींस के गेहूँ है, वीट है, फिर राइस है, ऐसी चीज़ें जो है वो, ये बाजरा है, वो ये फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है जिसको सीरियल बोला जाता है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट दिस सीरियल्स इन सम डिटेल। ओके, वी ईट ग्रेन्स ऑफ वीट, राइस, ओट्स, ज्वार, मेज एंड बाजरा एज सीरियल्स। तो ये सारी ही ऐसी चीजें हैं, राइस है अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर बाजरा है, फिर मेज है, ये सारी ही चीजें जो है वो उसको क्या बोला जाता है, सीरियल बोला जाता है। Wheat is commonly ground into flour and used to make rotis. Wheat जो है मतलब कि गेहूं, जिससे हम रोटी बना सकते हैं। और हमें पता है कि हम स्पेशली हम लोग जो दोपहर में जो लंच करते हैं, ठीक है, तो लंच जो है उसमें हमारा मेन जो फूड है वो रोटीज ही होता है। जनरली रोज रोटी जो है वो हमारे घर पर बनती ही है, तो वो किस में से बनती है, वीट में से, यानी कि गेहूं में से, गेहूं का आटा बनता है
और उसमें से हम रोटियां बनाते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सीरियल्स में आता है. वी यूज्ड दिस टू मेक रोटीज, ब्रेड एंड नान. जो ब्रेड हम खाते हैं, जो नान है, ये सारी ही चीजें इसमें से ही बनती है. किसमें से? गेहूं में से. राइस इज ऑल्सो वाइडली ईटन. राइस जो है, चावल, वो भी ऐसा एक फूड है जो कि हम ऑलमोस्ट एवरीडे खाते ही है, तो वो भी एक फेमस और कॉमन फूड है, यू कैन से. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फूड लाइक डोसा, इडली एक्सेट्रा. और जो डोसा और इडली है, साउथ इंडियन फूड है, जो कि वो भी किस में से बनता है? राइस में से बनता है. ओट्स आर यूजुअली ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. ओट्स जो है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सीरियल. वो जनरली सुबह में खाया जाता है एज अ ब्रेकफास्ट, उसको हम ले सकते हैं. सीरियल्स आर इम्पॉर्टेंट एनर्जी गिविंग फूड्स. और ये जो सीरियल्स है, वो ऐसा फूड है जिससे हमें एनर्जी जो है, एनर्जी गिविंग फूड है. तो अगर सुबह में सीरियल जो है, उसमें से कुछ आप ले रहे हो, ब्रेकफास्ट में सीरियल्स अगर ले रहे हो, तो सुबह सुबह में ही आपको अच्छी खासी एनर्जी जो है वो गेन हो जाएगी. तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट जो है सीरियल्स, वो कंप्लीट होता है, जिसमें अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वीट है, राइस है, बाजरा है, ओट्स है, ये सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड है. राइस जो है, उसमें से डोसा और इडली भी बन सकता है. जनरली साउथ इंडियन लोग जो है, वो उसको सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं. तो ये सीरियल्स जो है, ऐसा फूड है जिसमें से वी कैन गेन मोर एनर्जी. ओके, विच इज यू कैन से विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मॉर्निंग टाइम, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट अवर शेड्यूल फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ. सो यू कैन यूज दिस सीरियल्स एज योर ब्रेकफास्ट. सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड फूड आइटम, विच इज पल्सेस. ओके, तो पल्सेस के बारे में हम देखेंगे. Dried seeds of plants which include dals like moong, urad, masoor, kidney beans. Kidney beans का मतलब होता है राजमा. Generally सुना होगा आपने, राजमा चावल करके जो dish है वो बहुत famous है. तो ये राजमा जो है वो इसी category में, pulses में ही included है. Okay, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कुछ ऐसी दाल जो हम generally खाते हैं. मूंग की दाल है, या फिर उड़द की दाल है, या फिर राजमा है. ये सारी चीज़ें जो है खाने की, वो किस में आती है? पल्सेस में आती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड पल्सेस और लेंटिल्स. इसको लेंटिल्स भी बोला जाता है और पल्सेस भी बोल सकते हो. दे आर कॉमनली ईटन इन इंडिया एंड आर वेरी इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली इंडिया में, ये बहुत ही फेमस फूड है. हमें पता है ये सारी मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, या राजमा है, वो हमारे घर पे होता ही है. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या बोल सकते हो कॉमनली यूज्ड फूड है, स्पेशली इन इंडिया. एंड ये जो है पल्सेस जो है, ये बॉडी बिल्डिंग में, मतलब कि क्योंकि जो पल्सेस है ना, उसमें से जनरली हमारी बॉडी को जो बहुत ही जिसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन. ठीक है, वो प्रोटीन जो है वो हमें पल्सेस में से मिलता है. तो यू कैन से इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फूड फॉर अस, बिकॉज वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम दिस पल्सेस. ओके, तो ये हमारा सेकेंड फूड आइटम था. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, विच इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम सभी को पता है इसके बारे में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. हम रोज़ हमारे घर पे ये चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं और उसको
खाते भी है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मैं बता रही हूँ डिटेल में, लेकिन आपको भी पता ही है कि फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, या तो वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जियां जो है वो कौन कौन सी फेमस सब्जियां है और कौन कौन सी सब्जियां हम हमारे घर पर बनाते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स दैट वी ईट. तो ये हमें पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो कहाँ पर उगते हैं, प्लांट्स और ट्रीज जो है उन्हीं में से हमें ये चीज़ें जो है वो मिलती है, ठीक है. तो बहुत सारे अलग अलग तरह के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम बताए गए हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, जैसे कि मैंगोज है, बनानास है, ग्रेप्स है, दे आर फ्लैशी फ्रूट्स. ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ साइट्रस फ्रूट्स. साइट्रस फ्रूट्स आर वेरी रिच इन विटामिन सी. तो यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर भी एक कैटेगरी दी गई है जो कि है साइट्रस फ्रूट्स की. तो ये साइट्रस फ्रूट्स जो है वो जनरली ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि टेस्ट में बहुत ही खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन है, ये कौन सी कैटेगरी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, साइट्रस फ्रूट्स में. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. इसके अंदर से हमें विटामिन सी जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में मिल सकता है, इसीलिए विटामिन सी जो है वो हमें ऐसे खट्टे जो फ्रूट्स है, ऑरेंजेस है, लेमन है, इन सभी में से हमें मिल सकता है, जिसको साइट्रस फ्रूट्स भी बोला जाता है. नट्स लाइक वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर ईटन एज ड्राई फ्रूट्स. फ्रूट्स है और दूसरा है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें वॉलनट्स है, आलमंड्स यानी कि बादाम जो हम खाते हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स और लीव्स विच आर ईटन एज फूड. तो वेजिटेबल्स जो है, ये तो हमने बात की फ्रूट्स की, ओके. वेजिटेबल्स जो है, आगे के चैप्टर में भी हमने देखा हुआ है कि वेजिटेबल्स जो है वो ऐसे है जिसके रूट्स भी हम खा सकते हैं, उसके लीव्स भी हम खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स की अगर बात करें तो बीट रूट जो है, ठीक है, वो रूट है वन टाइप ऑफ. या तो कैरेट की अगर बात करें, गाजर जो है वो भी क्या है, रूट ही है, रूट ऑफ प्लांट, उसको हम खाते हैं, उसको हम एज अ वेजिटेबल खाते ही है, ठीक है. अगर लीव्स की बात करें तो स्पिनिच यानी कि पालक है, तो वो क्या है, लीव्स है, पत्ते है, उसको भी हम सब्जी उसकी बनाते ही है. तो वेजिटेबल्स जो है उसके रूट्स है, लीव्स है, उसको हम खाते हैं, उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट आर रूट्स, वाइल जिंजर, पोटेटोस एंड ऑनियंस आर स्टेम्स. उसका स्टेम का जो पार्ट होता है, जिंजर है, पोटेटो है, ये उसका स्टेम का पार्ट है जिसको भी हम खाते ही है, दैट वी ईट एज अ वेजिटेबल्स. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स आर इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड्स. ये जो है हमारी, यू कैन से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसीलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको डेली लाइफ में, उसको हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना ही चाहिए. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप विच इज स्पाइसेस. स्पाइसेस जिसके बारे में आप सभी को पता है, हमारा जो किचन है जहाँ पे हमारी रसोई बनती है
वहाँ पे हम कुछ भी अगर खाना बनाते हैं तो उसमें स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब कि मसाले, मसाले जो है वो हम डालते ही है। तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे हम देखेंगे स्पाइसेस के बारे में। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू अवर फूड। सम ऑफ द स्पाइसेस वी कॉमनली यूज इन अवर फूड आर क्लोव्स, पेपरकॉर्न्स, कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, टर्मरिक यानी कि हल्दी, चिलीज, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी के जो दाने आते हैं उसको फेनुग्रीक बोला जाता है इंग्लिश में, ओके, एंड कोरिएंडर सीड्स यानी कि जो धनिया आता है वो। वी गेट दिस स्पाइसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये भी जो सारे ही टर्मरिक है, चिलीज है, ये तो हम रोज ही हमारी रसोई में इसको यूज करते ही है ना, चिलीज है, टर्मरिक्स है, तो ये भी सारे ही स्पाइसेस जो है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, प्लांट्स में से ही हमें मिलते हैं। उसको सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर वो पैक होके हमारे घर तक पहुँचता है, लेकिन मेन उसका सोर्स जो है वो प्लांट्स ही है। द नेक्स्ट वन इज ऑयल शीड्स। Certain plants are grown for their seeds which yield oil. These seeds are called oil seeds. The oil that we use to cook our food is extracted from oil seeds. हम जो रोज खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें जो ऑयल यानी कि तेल जो हम यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें ऑयल शीड में से। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ऑयल यानी कि तेल जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसी में से हम जो खाना बनाने का हमारा तेल है वो हमें मिलता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसमी, सनफ्लावर एंड कैस्टर सीड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज कुकिंग ऑयल। हमें पता है कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है या तो सनफ्लावर ऑयल है, ये हम हमारा जो रोज का खाना बनाते हैं उसमें हम ये तेल यूज करते ही है, तो ये हमें कहां से मिलता है? प्लांट्स में से मिलता है। सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। कैसे बनाया जाता है? तो सपोज सनफ्लावर ऑयल है तो सनफ्लावर के जो सीड्स है, उसके जो बीज है, उसको क्रश किया जाता है यानी कि उसका छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं और उसमें से वो ऑयल जो है वो निकाला जाता है। कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कोकोनट। कोकोनट यानी कि नारियल का तेल जो है वो भी हम यूज करते ही है। कॉटन शीड एंड पाम फ्रूट विच कुकिंग ऑयल। आप जो है अपने घर पे कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज बेवरेजेस। टी एंड कॉफी आर कॉमन बेवरेजेस। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट एंड कॉफी फ्रॉम द बीन्स ऑफ द कॉफी प्लांट। टी है और कॉफ़ी है जो कि हमें उसके टी के जो गार्डन होते हैं, जो एक स्लॉट वाला जो एरिया होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, और कॉफ़ी जो है वो भी हमें प्लांट में से ही मिलती है, उसको हम बेवरेजेस जो है उसकी कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हम ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रोज़ हम सुबह में उठकर टी या कॉफ़ी जो है वो पीते ही है। तो यहाँ पे हमारा जो फूड फ्रॉम प्लांट्स वाली जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये सारे ही जो इसके सब टाइप्स है वो इस कैटेगरी में ही आते हैं। फर्स्ट ये सारी ही चीज़ें हमें किस में से मिलती है? प्लांट्स या
ट्री में से ही मिलती है। ऑलमोस्ट हम जो रोज खाते हैं डेली लाइफ में, उसकी सारी ही चीजें जो है वो इसमें आ गई, इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो होमवर्क में आपको यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सीरियल्स, तो सीरियल्स में कौन कौन सी खाने की चीज़ें आ सकती है वो आपको होमवर्क में ये सारे ही जो 6 टाइप्स है वो आपको मेंशन करने हैं, और उसके यहाँ पे सामने कि उसमें कौन सी फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं वो आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।